हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। आज का जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम करने वाले हैं फेविक्विक के ऊपर। बेसिकली ये है छोटा फेविक्विक है और इसी का बड़ा रूप ये है। ये 5 का है, ये 50 का है। इसको अगर खोलिएगा तो इसमें 50 ml रहता है, बड़ा फेविक्विक रहता है। और फेविक्विक एक ऐसा वस्तु है जो किसी भी वस्तु को, छोटा से छोटा वस्तु को और बड़ा से बड़ा वस्तु को चिपकाने का काम करता है। अगर हाथ में आप लीजिएगा तो हाथ में क्या होता है, एक लेयर सा बन जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खाने पीने वाला सामान लेके आए हैं और मेरे पास एक पेपर है। बेसिकली आप लोग ये कहावत तो बहुत बार सुने होंगे कि अगर फेविक्विक को पेपर में डाल देते तो वहाँ से आग निकल जाता है। तो ये सभी करके हम देखने वाले हैं। हर फेविक्विक को अगर हम पानी में डालते हैं तो उससे क्या होता है, सारा कुछ इस वीडियो में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। कि अगर हम बिस्किट में फेविक्विक को पूरा लगा देते हैं तो जब हाथ में लेयर इसका बन जाता है, तो अगर बिस्किट में लेयर बन जाएगा तो उस बिस्किट किस प्रकार से देखने में लगेगा, क्या हम उसको खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे, अगर टॉफ़ी में हम डाल देंगे तो उसको हम खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे, या तो किस प्रकार से होगा वो टॉफ़ी, सारा कुछ इस वीडियो में आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी कमाल का वीडियो होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखने वाले हैं, यहाँ पे मेरा पास पेपर है और ये है फेविक्विक, इसका ढक्कन हम खोल दिए हैं। देखने वाले हैं पेपर में डालने से क्या पेपर आग लगता है फेविक्विक से या नहीं। चलिए डाल के देखते हैं। तो यहाँ पे अभी हम डाल दिए फेविक्विक डाल दिए, वहाँ से आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो हम सामने से यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम डाल दिए फेविक्विक डाल दिए, वहाँ से आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो हम सामने से यहाँ पे दिखा दे रहे हैं और यहाँ पे कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा है। देख सकते हैं पानी जैसा हो चुका है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा है। बहुत कोई बोलता था कि अगर पेपर में आप डाल दीजिएगा फेविक्विक तो वहाँ से धुआं निकलने लगता है, पेपर जल जाता है, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं हो रहा है, देख सकते हैं। अगर हम देखने वाले हैं कि पानी में जब फेविक्विक डालते हैं तो पानी के साथ फेविक्विक कैसा रिएक्शन करता है। चलिए यहाँ पे फेविक्विक है, यहाँ पे पानी है और डालते हैं। ओ माय गॉड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस प्रकार से हाथ में उंगली में जिस प्रकार से लेयर एक बन जाता है, उस प्रकार से यहाँ पे भी पानी में भी एक लेयर बन चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं इसी प्रकार से कुछ हाथ में भी लेयर बन जाता है और चिपका देता है। अगर हम यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में डालते तो ज़्यादा दिखता है। यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से दिख रहा है। तो आप लोग को दिख गया होगा कि पानी में जो फेविक्विक हम डालते हैं तो किस प्रकार से उसका लेयर पता चल जाता है और कैसे ये काम करता है पानी के साथ। अगला मेरे पास सामान है, यहाँ पे पारोटी है। आप लोग को पता होगा जब फेविक्विक कहीं पे गिरता है तो वहाँ का जो जितना हिस्सा रहता है वहाँ पूरी तरह से गल जाता है। तो ये जो पारोटी रहता है वो काफ़ी नॉर्मल सा रहता है। इसमें देखते हैं फेविक्विक गिराने से इसको जो है गला पाता है या नहीं गला पाता है, और गलाएगा तो कितना हद तक गलाएगा। तो गाइस कुछ नहीं हो रहा है, कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा है। जैसा हम सोचे थे कि इसको पूरी तरह से गला देगा वैसा कुछ नहीं हो रहा है। कुछ रिएक्शन नहीं देखने के लिए मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हमको लग रहा था जहां एक गिरेगा वहां का जो है हिस्सा वो गला देगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। इस बार हम यहाँ पे बिस्किट में फेविक्विक डालने वाले हैं और देखने वाले हैं कि बिस्किट किस प्रकार से रिएक्शन यहाँ पे करेगा। तो ये है बिस्किट और ये है फेविक्विक। तो गाइस फेविक्विक जो है वो बिस्किट यहाँ पे सोख ले रहा है पूरी तरह से फेविक्विक को, देख सकते हैं। देखिए जितना हम इसमें फेविक्विक डाल रहे हैं पूरी तरह से जो है बिस्किट सोख ले रहा है। अब पता नहीं इसमें कैसे काम हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा हम इसमें फेविक्विक डाल दिए हैं। इसको निकाल के देखते हैं। यहाँ पे बिस्किट जो है इतना ज़्यादा कठोर हो चुका है, देख सकते हैं। जो एक नॉर्मल बिस्किट होता है जिसको आसानी से आप लोग तोड़ देते हैं, और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा कठोर हो चुका है, पूरी तरह से बिस्किट जो है कठोर हो चुका है। इसमें एक और हम यहाँ पे कर सकते हैं, एक में फेविक्विक डाल के और पानी में डाल के देखते हैं कि वो नीचे जाता है या ऊपर रहता है। चलिए वो करके देखते हैं। ये है पानी,
चलिए एक बिस्किट में और हम यहाँ पे फेविक्विक डाल लेते हैं। ये जो बिस्किट है इसमें अभी पूरी तरह से फेविक्विक हम डाले हुए हैं और बिस्किट काफी ज्यादा वजन हो चुका है। और यहाँ पे एक हम बिस्किट नॉर्मल निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको भी हम पानी में डाल के देखेंगे और फेविक्विक वाला के किसमें क्या होता है। चलिए इसको जो है पानी में हम डाल दिए हैं। और ये जो बिस्किट है वो नीचे चल गया है। अब डालते हैं इसमें जो इसमें फेविक्विक का इसमें अभी डाला हुआ है, चलिए इसको डाल के देखते हैं। तो गाइस जिसमें फेविक्विक था वो बिस्किट जो है पानी के नीचे नहीं गया, देख सकते हैं। तो गाइस जिसमें फेविक्विक था वो बिस्किट जो है पानी के नीचे नहीं गया, देख सकते हैं। इस बार यहाँ पे मेरा पास टॉफी है और फिर से फेविक्विक है, चलिए टॉफी में डाल के देखते हैं फेविक्विक। तो गाइस इसमें कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा है, देख सकते हैं इसके ऊपर हम फेविक्विक डाले हुए हैं और जिस प्रकार से इसके ऊपर हम पानी डालेंगे तो पानी ऊपर रह जाता है, उसी प्रकार से फेविक्विक ऊपर रह गया है। देखते हैं इसमें कुछ चिपका के चिपकता है या नहीं। तो गाइस चिपक भी नहीं रहा है, देख सकते हैं। ओह माय गॉड, नीचे चला गया। इसको थोड़ा देर यहाँ पे हम सूखने देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्या रिएक्शन होता है। तो गाइस जिस प्रकार से बिस्किट में हम जब फेविक्विक डाले थे तो बिस्किट कठोर हो चुका था, उसी प्रकार से यहाँ पे टॉफी भी है वो काफी ज्यादा कठोर हो चुका है, देख सकते हैं। और प्रकार से यहाँ पे टॉफी भी है वो काफी ज्यादा कठोर हो चुका है, देख सकते हैं। और नीचे चिपक गया है, ओ माय गॉड, नीचे चल गया। उसी प्रकार से काम हुआ है, पूरी तरह से जो होता है कठोर हो जाता है, उसके ऊपर एक लेयर चला जाता है तो कठोर हो जाता है और टूटता उटता नहीं है वो। तो गाइस फेविक्विक का आप लोग काफ़ी ज़्यादा उपयोग कर रहे होंगे, लेकिन आप लोग को ये नहीं पता होगा कि अगर इसमें हम डाल देंगे तो क्या होता है, अगर हम खाने वाले बिस्किट में डाल देंगे तो क्या होता है। तो वही सब की जानकारी हम इस वीडियो में आप लोग को दे रहे थे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसा है किसी नए कमाल का नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।